नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता राहुल चौबे की खबर। सिलीगुड़ी शाखा मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित सुरेंद्र मेमोरियल मायूम स्टार वॉर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दिन क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले गए। शाखा अध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा ने बताया कि सेमीफाइनल में फाल्कन ट्यूब ने एक बहुत ही रोमांचक मैच में महेश्वरी युवा संस्था को हराया और फाइनल में लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ब्लेजिंग एसएस के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला। फाइनल में फाल्कन ट्यूब ने लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ब्लेजिंग एसएस को हराकर ट्रॉफी और 21,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी जीती। उपविजेता को 11,000 रुपए और ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी भी दी गई। श्री संदीप घोषाल सहायक गवर्नर रोटरी क्लब इंटरनेशनल गेस्ट ऑनर के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही सिलीगुड़ी शाखा के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, श्री राकेश और नरेश बंसल, अतुल झावर, ललित जैन, श्री बिमल डालमिया और मारवाड़ी युवा मंच सिलीगुड़ी शाखा के कई पूर्व अध्यक्षों ने इस अवसर पर उनके साथ उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के संयोजक आदर्श कंदोई ने इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर तरीके से रविवार को आयोजित किया था। In the next year, this program or this event would be of much bigger level. Today we have around 16 teams. Next year, so congratulations and best wishes to all the teams. And before I wind up my address, I am thankful to Naresh Bhaiya, the sponsor of this event, and Rajkesh Ji, Shanti Honda also, for being kind enough and giving me this opportunity. Thank you so much. COVID-19 vaccine is safe. Follow the prescribed process for vaccination. Register on Cowin system using a valid photo ID. Beneficiary will receive SMS messages on their registered mobile number. On the vaccination site, Vaccination Officer 1 will check registration and verify photo ID of the beneficiary. Vaccination Officer 2 will authenticate verify documents on Cowin. Vaccination Officer will vaccinate the beneficiary. Following vaccination, all beneficiaries should wait in the observation area for 30 minutes. Vaccination Officer 4 and 5 will ensure 30 minutes wait, monitoring and guiding the non-registered beneficiaries. Come for second dose of vaccine on the due date as per SMS received.